सर्टिफिकेट किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। हो मैडम, आप बीमार हैं तो आपके बेटे को काम दो, जरा करके दिखाएं। चाय की दुकान से उठने वाले का सभी नजरिया राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेचता तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। चाय बेचने वाले सिपाही को कप्तान बैठा दो, उसका नजरिया कभी कप्तान वाला नहीं होगा। देश बेचने वालों से अच्छा होता है, चाय बेचने वाला अच्छा होता है। मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। और मैं साहजादे को पूछना चाहता हूँ, ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ ये मामा के घर से लाए थे क्या? यार हमें शिंदे जी कहते हैं, हमें शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग कहीं और से आ रही है। हम इसमें तहकीकात करेंगे, हम रुक नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीजों को। मैं बड़ा खुश हूँ ऐसे कर रहे हैं। करिए, दो रीजन है। एक, कर ले तहकीकात, एक काम कर अपनी भी करा ले तहकीकात। आजादे, ये व्यवस्था बनाने वाले आपके पूज्य पिताश्री थे, आपकी दादी माश्री, आपके नानाश्री थे। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती, वो मजा नहीं रहता है। आजादे, नमस्कार। प्राइम टाइम में मैं कादंबरी शर्मा हूँ आपके साथ। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और नेता चुनावी ओवरड्राइव में है। राज्यों का दौरा, दंदनाते चमचमाते भाषण, वोटरों को लुभाने के लिए भाषण में वादे, विपक्ष की पार्टी की नाकामयाबियां। लेकिन इस चुनावी गर्मी में कुछ ऐसी चीजें भी कही जाती हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। ऐसी भाषा बोली जाती है जो तमीज की भाषा नहीं मानी जा सकती। कई बार वही भाषा कोई आम सड़क चलता शख्स बोले तो उस पर कोई सोचेगा तक नहीं, लेकिन वही भाषा अगर देश का कोई नेता बोले तो सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि उससे उम्मीदें ज्यादा होती हैं, कसौटी ज्यादा ऊंची होती है, फर्क भी दिखता है आज के नेताओं में और पुराने नेताओं में। ऐसा नहीं है कि वो नेता विरोधियों के जवाब नहीं दिया करते थे, लेकिन अंदाज वो होता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब क्या बदला है? नेता बदले हैं तो क्यों बदले हैं? क्या राजनीति का स्तर गिरा है या फिर आइडियोलॉजी ही अलग नहीं, आपस में इतनी तल्खी है कि वो भाषणों में झलक जाती है, या फिर दांव पर इतना कुछ लगा है कि कुछ भी चलता है, या सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस तरह की भाषा ही अब वोटरों के करीब लाती है, लोग यही सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में राहुल गांधी को शहजादा बोल रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने सोनिया गांधी की तबीयत पर सवाल उठाया, इशारों में अजीत जोगी पर सवाल उठाया। उधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए कैंपेन करते हुए एक शख्स ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बताया था। वैसे चुनावों में ही नहीं, जुबान नेताओं की गाहे बगाहे फिसलती रही है, लेकिन आज नजर सिर्फ चुनावी मसाले पर। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आपको बता दें, अभय कुमार दुबे हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीएसडीएस के सदस्य हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और बाराबंकी से हमारे साथ पीएल पुनिया हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। एक और खास मेहमान का हमें इंतजार है, लेकिन सबसे पहले हम सिद्धार्थनाथ सिंह आपके पास आना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट कर रही है शहजादा के इस्तेमाल पे, और जो सोनिया गांधी की तबीयत पर जो सवाल उठाए हैं आपने उस पर ऑब्जेक्ट कर रही है, इस तरह की चीजें यूज करके आपको लगता है कि बहुत कुछ हासिल होता है चुनावी मैदान में? देखिए कादम जी, सोनिया गांधी जी की बीमारी का जिक्र कल किया तो मैं कांग्रेस वालों से इतना ही पूछना चाहूंगा कि 17 अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश में एक इमोशनल पिच राहुल गांधी ने दी कि सोनिया गांधी बीमार हैं, उनके आंसू थे, वो वोट नहीं डाल पाए फूड सिक्योरिटी बिल के लिए के ऊपर, तो वो बड़े इसलिए दुखी थी क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी।
तो ये तबियत जो है, तब राहुल गांधी जी उठाएं तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करें तो वो गलत हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, जनार्दन द्विवेदी जी कितनी दफे बुलेटिन दे चुके हैं, तो एक बात कही गई उसमें कोई गलत चीजों का प्रयोग नहीं किया, असभ्य तरीके से नहीं कहा गया। ये कहा गया कि आपकी कहीं आप बीमार है तो राहुल जी को काम दीजिए, पूरा काम दीजिए, तो इसमें क्या गलत बोला मुझे नहीं समझ आता। जब राहुल गांधी बोले तो सही, हम बोले तो गलत।